त्यागवीर राघव जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल जेएस सोडी साहब जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और विदेश मामलों की जानकार यानी फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर राम श्रीवास्तव भी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राम, आप त्यागवीर राघव जो बात यहां पर डॉक्टर राम श्रीवास्तव कहते हुए नजर आए कि एससीओ समिट के माध्यम से हम डिप्लोमेसी, डायलॉग और साथ ही साथ डेमोक्रेसी, इन तीनों डीज को हम साधने की कोशिश कर रहे हैं, कितने कामयाब हो पाएंगे और इस समिट के माध्यम से जो रिश्ते हैं वो और कितने मजबूत होंगे? धन्यवाद इस डायलॉग में मुझे बुलाने के लिए। कुणाल, ऐसा है कि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण, इस क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है और ये समिट है जो एससीओ की है, और जो 3D वाला जो फॉर्मूला मोदी जी ने बताया है। सी, हिंदुस्तान, भारत जो है हमेशा शांति प्रिय देश रहा है, वो कभी भी न किसी पे आक्रमण किया है और न कभी किसी को आक्रमण को एक्सेप्ट किया है, और बाहर भी उसकी वही नीति होती है कि रशिया का भी जो एग्रेशन है यूक्रेन के लिए, भारत अपने संबंधों की वजह से चाहे वो कुछ न बोले और उसको कंडेम न करे ओपनली, लेकिन हार्ट ऑफ हार्ट हम जानते हैं कि ये जो एग्रेशन है रशिया का, हम एग्री नहीं करते हैं। और आज ये प्रूव कर दिया मोदी जी ने कि वहां सामने, उनके सामने ये बोलकर बता दिया उन्होंने कि ये वक्त वॉर का नहीं है, क्योंकि जिस स्थिति से पूरा दुनिया जो गुजरी है अभी, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो जो अभी फूड सिक्योरिटी और इस सब की जो जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है उसको देखते हुए ये वक्त वॉर का नहीं था। तो उसको इतने सटीक तरीके से एक रसिया के प्रेसिडेंट के सामने बोलना हर एक की बस की बात नहीं है, और वो हमारी जो सशक्त नीति है, फॉरेन जो हमारी पॉलिसीज है, उसका ही नतीजा है। दूसरी चीज यहाँ देखने वाली बात ये है कुणाल कि हम बड़े, हिंदुस्तान बड़े ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में है, जो यूरोप और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी देख रहे हैं, नाटो कंट्रीज, और उधर यूएस भी देख रहा है, क्योंकि हमारा इक्वेशन यूएस के साथ और इधर इक्वेशन रसिया के साथ, जहां की रसिया जो है इधर यूक्रेन से भिड़ा हुआ है, जो कि यूएस उसके अगेंस्ट है। और दूसरी देखिए चाइना का जो ट्राइंगल है कि चाइना का इंडिया के साथ में जो इतने अच्छे रिलेशंस नहीं है, तो भारत को इस स्थिति में अपने को बैलेंस तरीके से व्यूज देना और उसको अपने इफेक्टिव तरीके से इस युद्ध को कहीं खत्म कराने में जो पहल करना है विदाउट एंटागोनाइजिंग रसिया और यूएस, बिकॉज यूएस से हमें क्या चाहिए, यूएस से हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए, नाटो कंट्रीज से चाहिए, वेरेज जो अपना रसिया है उससे हमें वेपन्स हमारे पास लेते हैं हमसे, उससे हमें एनर्जी चाहिए, तेल चाहिए, तो दोनों को बैलेंस करके रखना, ये हमारी बड़ी कूटनीतिक विजय मुझे कहना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए अगवीर राघव, आपने सुना पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में क्या कुछ एजेंडा ऑन वर्क ऑन की बात कही, आपको लगता है कि इन तमाम चीजों पर जो पीएम नरेंद्र मोदी ने राउंड टेबल पर बात रखी है इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट बनेगा, क्योंकि ना सिर्फ भारत के लिहाज से भी बल्कि इन तमाम चीजों का जो असर है वो रशिया, चाइना और पाकिस्तान पर भी पड़ता है? कुणाल, बिल्कुल सही बात है कि जिस जोर शराबे के साथ में मोदी जी ने अपने इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बयान किया है, चाहे वो जीडीपी ग्रोथ 7.5% है, चाहे उन्होंने यूनिकॉर्न का बात किया मोर देन 100, और इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि 70,000 से ज़्यादा हमारे स्टार्टअप हैं, इसी इसका कहने का मतलब क्या है? उनका कहने का मतलब ये है कि कोरोना के बाद में जिस तरीके से कंपनी चाइना को छोड़ के बाहर निकलना शुरू किया, तो ये एक इनविटेशन है, ये एक इनविटेशन है इंडिया का कि भाई आइए, इंडिया में ये सब कुछ है, जीडी ग्रोथ हो रही है, आपके पास इतना स्टार्टअप है, इतने यूनिकॉर्न है, आके अपना धंधा यहाँ हिंदुस्तान में कीजिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मोदी जी ने इस ओकेजन को चुना और बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रोपगेट किया कि भाई हम हिंदुस्तान तैयार है, आपका स्वागत करते हैं, हमारी इकोनॉमी में आके साथ कीजिएगा, पहली बात यह। दूसरी बात यह कि यहाँ देखने वाली सबसे बड़ी बात है कि इतने धड़ाके से बिना किसी के संकोच के, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो रसिया हो, चाहे चाइना हो, मोदी जी ने जो बात अपने सटल तरीके से की है, आपको पता होगा कि जब S-400 मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम
टर्की ने खरीदा था तो यूएस ने उसको बहुत ज्यादा रिव्यू किया था और उसके संबंध उनके बिगड़ गए थे टर्की से। वही S-400 सिस्टम जब हिंदुस्तान ने रसिया से लिया तो यूएस की हिम्मत नहीं हुई कि हमारे ऊपर कोई सैंक्शन लगाए। उसका कारण यह है कि यूएस को हिंदुस्तान का सपोर्ट चाहिए और उसका सपोर्ट चाहिए उसको रसिया के अगेंस्ट में जो यूक्रेन में वॉर चल रहा है और जिसको कि यूएस सपोर्ट करता है। तो इस हिसाब से यदि हम देखें हिंदुस्तान की पोजीशन आज की डेट में बहुत मजबूत है। जो मेरे एक साथ के प्रवक्ता ने बोला कि हम डेवलप्ड कंट्री नाम से कोई ना बोले लेकिन हम डेवलप्ड कंट्री बन चुके हैं। जिस तरीके से हमारा वर्चस्व है पूरे वर्ल्ड में, जिस तरीके से हमारी बात को सुना जाता है या मोदी जी जो कहते हैं उसको लोग सुनते हैं, उसका वेट करते हैं। तो चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो वर्ल्ड ऑर्डर हो, चाहे वो दुनिया के खान पान की चिंता करने वाली बात हो, हिंदुस्तान का नाम सबसे पहले आता है और आता रहेगा। क्योंकि हमारी जो नीति रही है हमेशा एक रही है कि लिव एंड लेट लिव एंड दैट इज वे वी आर प्रोग्रेसिंग। ठीक है अभी राघव, आपको ये लगता है क्योंकि भारत ने जो बातें रखी बहुत स्पष्ट नजरिए के साथ रखी, भारत ने अपने एजेंडे भी स्पष्ट कर दिए कि किन एजेंडों के हिसाब से वो इस समिट को देख रहा है और उसका रिजल्ट भी क्या होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आपने शहबाज शरीफ का भी स्टेटमेंट सुना होगा, आपको लगता है कि जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि भाई आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे, आपको लग रहा है कि यहां जो बातें रखी गई वो बहुत हल्की थी? क्योंकि किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि अगर भाई पाकिस्तान ये कहे कि हम आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे, सबसे बड़ा दंश कोई आतंकवाद का झेल रहा है, घरेलू आतंकवाद का, इनर टेररिज्म का, तो वो तो खुद पाकिस्तान है, कैसे कम करेंगे? कुछ काम तो आप कर नहीं रहे हैं उस पर कुणाल। ये हम सभी ने देखा है और ये इतिहास बताता है कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में हमेशा डिफरेंस रहता है। वो कहते कुछ है और करते कुछ है। ग्राउंड पे आपको ये लगा कि पाकिस्तान के पीएम का जो होमवर्क था वो थोड़ा कमजोर था? बिल्कुल कमजोर था और उसमें जो उन्होंने कहा है उस पे बीच में आपने देखा होगा कि पुतिन ने बड़ी सरकास्टिक से स्माइल भी किया था और वो काफी एम्बरेसिंग मोमेंट था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए। सो उसका कारण ही यह है जो मेरे पिछले प्रवक्ता ने बोला था कि जब तक आप अच्छे काम ग्राउंड पे नहीं करते हैं तो आप में वो कॉन्फिडेंस और आप में वो थॉट प्रोसेस ही नहीं आएगा। जब आप ग्राउंड पे सी तीन चीजें होती हैं, एक आप सोचते क्या है, उसके बाद आप बोलते क्या है और उसके बाद आप करते क्या है। इन तीनों चीजों में सामंजस्य नहीं है तो आपको कोई रेस्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, आपकी बात जब बनते आपको हैं, आपकी बात को जो पाकिस्तान से जुड़ी हुई और एससीओ समिट से जुड़ी है, एससीओ बैठक के में पाक पीएम शहबाज शरीफ ने फिर से अपना दुखड़ा रोया, बाढ़ का जिक्र कर भावुक हुए शहबाज शरीफ। पाकिस्तान पीएम ने सभी देशों से मदद की गुहार लगाई है, अफगानिस्तान को नजरअंदाज करना गलती होगी, शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान को भी यहां पर अपने भाषण में शामिल किया। तो कर्नल त्यागवीर राघव, बहुत छोटा सा रिस्पांस आपका इस पर कि एक बार फिर से पाकिस्तान दुखड़ा रोता हुआ नजर आया, आपने आपको सशक्त करने के बजाय, बेहतर करने के बजाय, मजबूत करने के बजाय एक बार फिर से रोना धोना नहीं के बजाय एक बार फिर से रोना धोना नई तौर पे आई फुली एग्री विद दैट कि इस सभी देशों को हेल्प करना चाहिए। आई फुली एग्री विद दैट कि इस